मेरे भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक्ट फाइबरनेट ब्रॉडबैंड कंपनी के बारे में, जिसे आप ACT भी बोल सकते हो। क्यों आज बात करने वाले हैं, क्योंकि भाई इस कंपनी ने 4 नए प्लान लॉन्च कर दिए हैं। बट भाई उनके लिए तो ये स्पेशल वीडियो होने ही वाली है जो मेरे भाई दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि भाई जो स्पेशल 4 प्लान है वो केवल और केवल दिल्ली वालों के लिए ही ये कंपनी ने लॉन्च किए हैं। सो मेरे भाइयों, अगर आपने इस कंपनी के बारे में पहले कभी सुना नहीं है, सो भाइयों मैं किस काम के लिए हूं आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा, और लास्ट में एक बोनस टिप्स दे के जाऊंगा कि आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सारी डिटेल अच्छी तरीके से आपको इस वीडियो में मैं बता के जाऊंगा। अगर आप सारा कुछ जानना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखना, तो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम कमल, आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई, जो ये एक्ट फाइबरनेट है, जहाँ पे आप ACT भी बोल सकते हो, हम शॉर्ट फॉर्म ACT बोल सकते हो, तो मेरे भाई ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। कहने का मतलब इसकी शुरुआत बेंगलुरु से हुई थी। भाई बेंगलुरु से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। इन्होंने अपनी जो सर्विसेज हैं और भी कई सिटियों में देनी शुरू कर दी थी, जैसे कि चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद, और मेरे भाई कई और सिटियों में भी जो ACT फाइबरनेट अवेलेबल है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। भाई अगर आप इन सिटियों में रहते हो तो आप ACT फाइबरनेट लगवा सकते हो। बट आज की वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि दिल्ली वालों के लिए इस कंपनी ने 4 नए प्लान लॉन्च कर दिए हैं। बट इनकी जो वेबसाइट हम जब खोलते हैं, तब आपको क्या करना है, दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है, फिर ही आपको ये ऑफर दिखाई देंगे। क्योंकि भाई अलग अलग सिटी के अलग अलग प्लान होते हैं, ये स्पेशल प्लान है, वो केवल और केवल दिल्ली वासियों के लिए है। सबसे पहले मेरे भाई, जो इन्होंने अपना नया प्लान लॉन्च किया है दिल्ली वासियों के लिए, वो है ACT वेलकम प्लस, जिसका प्राइस है 649, और इसमें आपको 50 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको राउटर फ्री देखने को मिलेगा, और इसमें आपको डिज्नी प्लस, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन, सोनी लिव, G5, यप टीवी और 300+ लाइव टीवी चैनल भी आपको देखने को इसमें मिलेंगे। और बात करें अगला प्लान जो है, ACT वेलकम स्ट्रीम के नाम से लिस्टेड है, जिसका प्राइस है 699, और इसमें भी 50 Mbps की स्पीड मिलेगी, बट इसमें आपको OTT के नाम पे केवल और केवल नेटफ्लिक्स ही देखने को मिलेगा। पिछले प्लान में भाई काफ़ी सारी OTT थी और लाइव TV चैनल भी थे, इसमें कोई लाइव TV चैनल देखने को हमें नहीं मिलते हैं। और अगले प्लान की बात करें तो अगला प्लान है भाई दिल्ली सिग्नेचर, जिसका प्राइस है भाई 999, इसमें आपको 150 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाती है, इसमें भी फ्री राउटर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट जो हमने पिछला प्लान कवर किया है 699 में, उसमें इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि ये आपको फ्री राउटर देंगे या नहीं देंगे, बट जो 999 वाला है, इसमें ये इन्होंने बताया है कि आपको हम फ्री राउटर देंगे, और इसमें आपको 999 वाले प्लान में आपको OTT भी देखने को मिलेगी, जैसे कि इसमें नेटफ्लिक्स भी है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी है, सोनी लिव भी है, G5 भी है, यप TV भी है, 300+ लाइव TV चैनल भी देखने को यहां पे आपको मिल जाते हैं। तो मेरे भाई अगला प्लान जो आ जाता है इनका, उसका नाम है ACT प्लेंटियम प्रोमो, और जिसका प्राइस है भाई 1049, जिसमें आपको 250 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाती है, और मेरे भाई इसमें भी फ्री राउटर आपको देखने को मिलेगा, OTT के नाम पे केवल और केवल नेटफ्लिक्स ही देखने को मिलेगा। सो मेरे भाई जो 1049 वाला जो प्लान है, इसमें खास बात क्या है कि इसमें 250 Mbps की स्पीड तो मिलेगी ही मिलेगी, इसमें आपको वाईफाई 6 राउटर देखने को मिल जाता है, जो कि बाकी प्लान में आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको स्पेशल वाईफाई 6 वाला राउटर देखने को मिल जाएगा। बट चक्कर ये है कि भाई अगर आपको OTT चाहिए ज़्यादा और आपको लाइव TV चैनल भी चाहिए, तो मेरे को जो अच्छा लगा है प्लान भाई, वो है 999 वाला, जिसमें आपको
OTT भी मिल जाती है, Netflix भी मिल जाता है, Disney Plus Hotstar मिल जाता है, Sony Live G5, Jab TV और 300 प्लस लाइव टीवी चैनल भी देख सकते हो और 150 Mbps की स्पीड भी देखने को मिल जाएगी और फ्री राउटर भी देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप सारी चीज़ें चाहते हो, स्पीड भी आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 999 वाला ले सकते हो, बट अगर आप 50 Mbps से काम चला सकते हो तो इनका जो 649 वाला प्लान है वो आप ले सकते हो, जिसमें आपको 50 Mbps की स्पीड मिलेगी और सारी OTT भी मिलेगी, बट इसमें आपको नेटफ्लिक्स नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें मिल जाएगी। बट भाई देखने वाली बात ये है कि इन सारे प्लान में कहीं पे ये नहीं लिखा है कि आपको ये प्लान प्रीपेड में देखने को मिलता है जहाँ पे पोस्टपेड में देखने को मिलता है। सो बेसिकली मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ मेंशन तो नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि इनके जो प्लान है ये प्रीपेड में देखने को मिलते हैं और इनमें आपको टोटल 3300 GB देखने को मिल जाती है। बट गौर करने वाली बात ये भी है कि भाई इन्होंने फ्री राउटर तो लिखा है अपने कई प्लानों में, बट इंस्टॉलेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा कि इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़ेंगे या फिर नहीं देने पड़ेंगे। सो मैं आपको छोटी सी ये भी बात बता देता हूँ कि इनका माजरा क्या है कि अगर आप 1 month के लिए लेते हो तो इनका इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, बट अगर आप ऐसा करते हो कि इनका जो प्लान है 6 month के लिए आप लेते हो, सो हो सकता है कि भाई ये आपको ये आपके यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस ना लें। सो पहले ये ऐसा करते थे, बट जो इन्होंने अपना वेलकम ऑफर निकाला है, हो सकता है भाई इसके साथ इंस्टॉलेशन फ्री हो, बट वेबसाइट पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि इंस्टॉलेशन फ्री देखने को मिलेगी। बट हाँ मेजरली ऐसा होता है कि अगर आप इनका 6 month का प्लान लोगे या फिर 3 या 6 month का प्लान लोगे और 12 month तक भी ले सकते हैं, और अगर आप इनका ये वाले प्लान लोगे इतने मंथ के लिए तो इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको फ्री देखने को मिल जाती है। और बात आ जाती है भाई कंक्लूजन की कि हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अच्छा है या बुरा है। सो भाइयों और बहनों मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ, हर सिटी का अलग अलग माजरा होता है। मेरी सिटी में अगर अच्छा है हो सकता है आपकी सिटी में अच्छा ना हो, जहाँ आपकी सिटी में अच्छा है हो सकता है मेरी सिटी में अच्छा ना हो। लगवाने से पहले भाई आप अपने मतलब विजिट करें, आस पड़ोस में पूछें अगर किसी ने ACT फाइबर नेट लगवाया होगा, ठीक है, अगर वो कहते हैं कि अच्छा चल रहा है तो आप लेना, ये नहीं अकेला मैं बोल दूंगा अच्छा है तो ले लेना, जहाँ फिर इंटरनेट के ऊपर रिव्यू पढ़ लोगे, रिव्यू तो भाई किसी और जगह के होंगे ना, आप किसी और जगह पे रह रहे होंगे तो ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपके एरिया में लोकल जहाँ पे आप रहते हो आस पड़ोस किसी ने लगाया है उससे पूछ लेना अच्छा चलता होगा तभी लेना, मेरी ये राय है। ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल के मगर लग के आप इसको ले लेना, हाँ बट अगर आपके एरिया में और कंपनी अच्छा काम कर रही है तो और कंपनी का ले लो, अगर ये कंपनी अच्छा काम कर रही है तो इसका लो भाई। मैं कोई भी इसके मतलब अगेंस्ट नहीं हूँ या फिर इसके हक में नहीं हूँ, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। मैंने आपको बता दिया कि चॉइस कैसे करना है। अगर मेरे भाई ये प्लान ये इन्फॉर्मेशन दी गई मेरी आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और भी कुछ पूछना चाहते हो तो कॉमेंट करके जरूर जाना मेरे भाई, मेरे को वेट रहती है कौन कौन मेरा भाई मुझे कॉमेंट करता है। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना चाहते हो तो टेकपत्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो डेली लेके आते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपको शुक्रिया करता हूं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।